हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक आरजीएक्स। मेरा नाम है रजत और आज के वीडियो में हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं यहाँ पे कॉमेडी वीडियोस के थंबनेल आपको कैसे बनाना है। गाइस, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको जाना है कैनवा ऐप में, ठीक है, और यहाँ पर आपको लिखना है सर्च बार में यूट्यूब थंबनेल, ठीक है। स्पेलिंग ध्यान देना आपको हमेशा राइट होना चाहिए, मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ आपको। स्पेलिंग राइट होने के बाद गाइज यहाँ पे ब्लैंक पेज ओपन होगा, तो ब्लैंक पेज सुपसाप से यहाँ पे ओपन कर लेना अपने को, ठीक है। जैसे ही गाइज हम लोग यहाँ पे ब्लैंक पेज ओपन करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले चीज़ हम लोग को क्या दिखाई देगी, यहाँ पे अपलोड सेक्शन और एलिमेंट सेक्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पे नीचे दिया रहेगा और आपके पीसी में यहाँ पे कॉर्नर पे दिया रहेगा, ठीक है। दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है, बाकी का जितने भी प्रोसीजर है सब सेम है, ठीक है। यहाँ पे अपलोड सेक्शन में जाने के बाद गाइज आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो बहुत सारे पिक्स आपके पास यहाँ पे होंगे, जैसे कि आप कॉमेडी वीडियोस के थंबनेल बनाते तो क्या चाहिए आपको स्पेशली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दे दिखा दूँ, सबसे पहले आपको जाना है एलिमेंट्स में और यहाँ पे लिखना है कॉमिक बैकग्राउंड, सबसे पहली चीज़, ठीक है। COMIC ये चीज़ आपको लिखना है, यहाँ चाहे यहाँ पर चाहे आप गूगल में सर्च करो वहाँ पर भी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही लिखूँगा और सर्च बार एंटर करूँगा तो यहाँ पर देखो फोटोज़ में जाऊंगा तो बहुत सारे कॉमिक बैकग्राउंड मिल जाते हैं मुझे। आप लोग पूछते हो ना कॉमिक बैकग्राउंड क्या होता है, तो कॉमिक बैकग्राउंड इसको बोलते हैं जाकि वो कॉमिकल वाला स्ट्रक्चर फील देता है। मतलब जैसे कि मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो ये कार्टून टाइप इफेक्ट रहा है, तो इसको हम लोग कॉमिक बैकग्राउंड बोलते हैं, ठीक है। जो बचपन में लोग कॉमिक्स पढ़ते थे उसका बैकग्राउंड, इसको मैंने ले लिया। अब इसको राइट क्लिक करूँगा, सेट इमेजेस बैकग्राउंड कर दूंगा, या तो फिर इसको जूम करके निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं डिटैच करता हूँ इसको, यहाँ से मैंने जूम कर दिया, देखो यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से भी मैं इसको फैला सकता हूँ। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर वन ये आ जाता है। अब सेकंड पॉइंट क्या आता है, जैसे कि आपको यहाँ पे इमेजेस डालना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे ये इमेजेस डाल रहा हूँ, ठीक है। संदीप महेश्वरी को ऐड कर दे रहा हूँ बीच में नीचे, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से एडिट कर दिया, इसका बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको डाल दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से डाल दिया, इसको भी मैं यहाँ से एडिट करके बैकग्राउंड रिमूव कर दूँगा। अब यहाँ पे ये दोनों होने के बाद अब मैं यहाँ पे अपना इमेज लूँगा ना, वो बड़ा इमेज लूँगा, जैसे कि मैं यहाँ ये वाला इमेज ले ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको इमेज को क्या करूँगा, बड़ा इमेज रखूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पे देखूँ इसको मैं डिलीट करता हूँ, पहले अपना एक नॉर्मल इमेज ले लेता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, एक नॉर्मल इमेज ले लेता हूँ, अब मैं टेक्नो गेमर्स को भी यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ दिखाने के लिए आपको स्पेशली। इसका मैंने एडिट रिमूव किया, यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, ठीक है। आप लोग पूछते हैं ना कॉमिकल कैसा रहता है, तो कॉमिक कैसे ऐड करना है मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर लिया, इसको भी मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया, ठीक है। फुकरा इंसान को मैं ऐड कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से बैकग्राउंड को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे ऐड हो गया। अब इसके पीछे ये भी ऐड हो गया, मैंने ये भी इसको भी ऐड कर लेता हूँ, ये लड़की को, ठीक है। अब ये कौन है मैं नहीं जानता, इसका इमेज भी बहुत ब्लर आ रहा है, अच्छा नहीं है, हटाओ इसको, इसको ले लेता हूँ मृदुल को, मृदुल का इमेज ले लिया, यहाँ से इसको एडिट कर लिया, इसका बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे मैंने इसके बाद मृदुल का इमेज ऐड कर देता हूँ, जो कि मेन हाईलाइट है इमेज का, ठीक है। यहाँ पे इसका फेस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, तो इसको मैं पीछे कैसे करूँगा, राइट क्लिक करना है गाइस, यहाँ पे लेयर में जाना है और सेंड बैकवर्ड करना है, ध्यान देना, फिर से करना है तो फिर से लेयर में जाना है, सेंड बैकवर्ड, फिर पीछे हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे करते करते आपको मृदुल को ऐड करना पड़ेगा, पूरा इसको छोटा कर लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखो ये चीज़ हो जाता है ना, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहला हम लोग को इसमें एलिमेंट्स ऐड करना है, जैसे कि ये हो गया, ठीक है। इसको मेरे को एडिट करना है, यहाँ पे मेरे को शैडो दे देना है, यहाँ पे दे देना है ड्रॉप, ठीक है। इसको मैंने दे दिया ड्रॉप, एंगल ट्रांसपेरेंसी बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसको भी मेन एडिट इमेज करना है, यहाँ पर जाना है शैडो में और ड्रॉप कर देना है, ठीक है, एंगल ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा, ठीक है। सेम यहाँ पे दोनों इमेज में, तीनों इमेज सब में करना है, ये आपका काम है।
इसके बाद गाइस क्या करना है आपको, यहाँ पे जाना है एलिमेंट्स में और यहाँ पे लिखना है कॉमिक एलिमेंट्स, कॉमिक एलिमेंट्स। जैसे ही कॉमिक एलिमेंट्स लिखो तो ग्राफिक्स में जाना है, ग्राफिक्स में देखोगे आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे, जैसे कि ये वाले, ठीक है, ये वाले इमेज दिखाई देंगे, तो यहाँ पे इसको ऐड कर लेना है हल्का सा, ठीक है। आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे मैजिक रिकमेंडेशन दिए, जैसे कि ये वाले दिए, तो यहाँ पे मैं आप इसको भी ऐड कर सकते हो आपको चाहो तो, जैसे कि मेरे को इसको ऐड करना है तो ये भी ऐड कर सकते हो, आपको सब चीज़ दिया रहेगा यहाँ पे, ठीक है। इसको ऐड करना है तो इसको भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि संदीप महेश्वरी के मुझे ऊपर ये लगाना है, ये लगा दिया। अब मेरे को इसको ट्रांसपेरेंसी कम करना है तो ठीक है, ट्रांसपेरेंसी कम कर दिया, ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये लगा दिया, इसके दिमाग में गुस्सा भरा पड़ा है तो ये लगा देना, ठीक है। क्वेश्चंस मार के कुछ भी है आप यहाँ से एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, जैसे कि ये आपको ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इसका कम कर सकते हो, ठीक है। हटाना है तो सिंपल से आप हटा सकते हो, जैसे कि अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको हटा सकते हो, ठीक है। आप ये सब चीज़ें यहाँ से कर सकते हो। पीछे आपको एलिमेंट्स कैसे ऐड करना है, जैसे कि ये कॉमिक बैकग्राउंड हो गया तो यहाँ पे आपको पेड़ पौधे, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो ट्री, ये सब लिख सकते हो। देखो यहाँ पे सब चीज़ आ गया, जैसे कि ये लगाना है आपको पीछे, ठीक है, ये सब आप यहाँ से लगा सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको फ़नी लगाना है तो फ़नी इमोजीज लिख सकते हो, ठीक है, फ़नी इमोजी लिख सकते हो, जैसे कि ये लगा दिया बीच में, छोटी छोटी इमेजेस यहाँ पे लगा दी, फिर यहाँ पे ऊपर दिया प्लस ऑप्शन तो करोगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा, यहाँ पे ले लिया, 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 समझे। ऐसा कुछ आप ले सकते हो, तो इसके हिसाब से आप इमेजेस ऐड कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, पीछे का बैकग्राउंड आपके ऊपर ही, जैसे आप ऐड करना चाहो, ठीक है। तो यहाँ तक ही मेरा वीडियो है गाइस, इसके आगे आपको जो सीखना है बेसिक मैं आपको बता दूंगा, आप सिर्फ बताना मुझे कमेंट में आपको किस तरीके का थंबनेल आपको बनाना सीखना है, इसके अंदर पीछे बैकग्राउंड क्या लगाना है उसके हिसाब से बताना, क्योंकि मैंने बहुत सारे थंबनेल बना चुका है उस पर। आई होप आपको पता चलेगा, आपके क्वेश्चंस रिमेन रहेंगे तो मुझे समझ में आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।